अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। बच्चों, अब यहाँ पर ये वर्ड्स को हमें क्या करना है, ज़ोर से पढ़ना है और उसको हमें कॉपी करना है अपने बुक्स में। ए आई ही यू ऑल दिस अप ऑन ऑफ टू, तो ऐसे करके हमें लिखना है। नंबर तीन, रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेसेस। इसका मतलब है फ्रेसेस यानी हमें ये जुमले को क्या करना है, ज़ोर से पढ़ना है, है ना। फ्रेसेस यानी जुमले। अ न्यू, अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, लॉन्ग लीप्स, ऑन एंड ऑन, ऑल दिस वाइल, स्लो बट स्टडी, है ना। अ फ्यू यानी थोड़े से, है ना। क्वाइट अ फ्यू यानी छोटे, थोड़े से। लॉन्ग लीप्स यानी बड़े बड़े कदम। ऑन एंड ऑन यानी एक के बाद एक। ऑल दिस वाइल, स्लो बट स्टडी, ऐसे करके हमें जुमले पढ़ना है और लिखना है। फाइंड दिस फाइंड दिस फ्रेसेस ऑन पेज 17 to 19। अब हमें 17 से 19 तक ये जो यहाँ पर हमें जुमले दिए गए हैं वो ढूँढना है बच्चों, है ना। जो हमने ऊपर जो स्टोरी देखे हेयर्स एंड टर्टॉइस की, यानी खरगोश और कछुए की कहानी में से हमें ये जुमले देखना है। अब हम आगे देखते हैं। कैटेगरीज, फाइंड वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड राइट देम इन द प्रॉपर प्लेस। दर्ज जेल जेदो जदोल मुकम्मल करने के लिए मुनासिब लफ्ज तलाश कीजिए और जदोल में मुनासिब जगह पर लिखिए, है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखो, कुछ कैटेगरीज हमें दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर समथिंग, है ना। यहाँ पर कुछ फर्स्ट लेटर्स दिए गए हैं, ए बी सी पी टी एम एन एम डब्ल्यू, ऐसे समथिंग वी ईट और ड्रिंक, है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू से समथिंग वी ईट और ड्रिंक, हम जो कुछ तो हम खाते हैं या फिर पीते हैं, वो हम इस कैटेगरी में लिखेंगे। एन एनिमल यानी एनिमल्स, जानवरों के नाम। अ थिंग यानी चीज़ों के नाम। एन एक्शन यानी चीज़ों के नाम, है ना, जो एक्शन करते हैं हम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू है ना, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम क्या खाते हैं डब्ल्यू से, वाटरमेलन यानी कलिंगड़, है ना। ओल्फ यानी लोमड़ी, है ना, ये ऐसे एनिमल का नाम है। और अ थिंग यानी वॉच यानी घड़ी। फिर वाइप यानी साफ़ करना, ये एक्शन वर्ड है। साफ़ यानी वाइप यानी साफ़, कोई भी हम सफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाइप करते हैं। तो ऐसे ही हमें, अब यहाँ पर हम क्या खाएंगे, ए वाले बॉक्स में हम यहाँ पर खाने के लिए हम लिखेंगे एप्पल, है ना। फिर एनिमल्स में क्या आएंगे, एन एक्शन में क्या आएगा, ये आप ऐसे करके लिखो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ऐसे आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। टू द मार्केट, लिसन रिपीट एंड रीड अलाउड, नज़म सुनिए कही और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। टू द मार्केट, है ना, मार्केट में अब हम देखते हैं। नंबर वन, चाइल्ड नंबर वन, देखो यहाँ पर एक बच्चा है। आई वेंट टू द मार्केट, है ना, आई वेंट टू द मार्केट, ये जो पहला बच्चा है वो क्या कर रहा है, मार्केट में जाता है। डू यू नो वॉट आई ब्रॉट, तो वो बोल रहा है कि आपको, तुमको मालूम है कि मैंने क्या ख़रीदा। सम रेड शाइनी एप्पल्स, उसने क्या ख़रीदे, कुछ चमकीले एप्पल्स ख़रीदे लाल कलर के। दैट्स व्हाट आई गॉट, तो उसको क्या मिला बाज़ार में, वो बोल रहा है कि उसको रेड एप्पल मिले। दैट्स व्हाट आई गॉट, तो मैं, मुझे ये मिले, ऐसा बता रहा है वो। अब सेकेंड देखो, चाइल्ड आई वेंट टू द मार्केट, अब दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैं बाज़ार गया। डू यू नो व्हाट आई ब्रॉट, आपको पता है कि मैंने क्या लिया। सम रेड शाइनी एप्पल्स, अ बिग लीफ ऑफ ब्रेड, तो वो बोल रहा है कि मैं एप्पल लिया हूँ शाइनी, उसके बाद बिग लोफ ऑफ ब्रेड,
तो उसने ब्रेड का जो ये बन है, ये ब्रेड का जो सेट है वो लिया, दैट्स वाई आई गॉट। तो उसको क्या मिला बाज़ार में वो यही बता रहा है ना। नंबर थ्री देखो, अब तीसरा बच्चा, आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो वॉट आई ब्रॉट, सम रेड शाइनी एप्पल्स, अ बिग लोफ ऑफ अ ब्रेड, अ पैक ऑफ कलर पेंसिल, दैट्स वॉट आई गॉट। तो उसने क्या लिया, सबसे पहले एप्पल लिया, फिर ब्रेड लिया, फिर यहाँ पर देखो कलर पेंसिल लिया उसने, पैक कलर का है ना, दैट्स वॉट आई गॉट बोल रहा है। तो उसने ये ख़रीदा। अब हमें ऐसे ही चाइल्ड नंबर फोर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनाना है उनको। तो अभी यहाँ पर अ पैक ऑफ अ कलर पेंसिल है ना, तो अब हमें यहाँ पर फोर में क्या लिखना है, अ सैक ऑफ ग्राम फ्लोर ऐसे लिखना है, अ सैक ऑफ ग्राम फ्लोर, यानी उसने आटे का थैला लिया है ना। यहाँ पर फोर्थ चाइल्ड बोलेगा दैट्स वॉट आई गॉट। फिर पांचवा बच्चा क्या बोलेगा, अ पैक ऑफ लिक्विड सोप, ये उसने क्या लिया है, पैक ऑफ लिक्विड सोप लिया है। फिर सेवेंथ वाला जो सातवां बच्चा है वो बोलेगा सम जूसी राइप मैंगोज, उसने मैंगोज खरीदे हैं है ना, यहाँ पर आम खरीदे, अ पेयर ऑफ ब्लू बैंगल्स है ना। ऐसे ही करके हर एक बच्चा बाज़ार से एक एक ऐड करते खरीदते जा रहा है, अ पेयर ऑफ ब्लू बैंगल्स यानी ब्लू बंगड़ियों का सेट लिया है, अ बिग जार ऑफ हनी, हनी का जार यानी हनी का डिब्बा, शहद का डिब्बा लिया है, अ बंच ऑफ बिग बनानास, बनानास यानी केले का उसने क्या लिया है कि कुछ बंच लिया है, यानी डजन से उसने केले लिए, अ स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लावर्स, ये क्या है फ्लावर का एक बेल लिया है उसने। तो ऐसे ही करके यहाँ पर हमें ऐड करते जाना है, ऐसे सेंटेंसेस बनाते जाना है बच्चों और पढ़ना है उसको, ठीक है। देखो, लुक एट द पिक्चर एंड वर्ड्स, यूज देम टू ऐड मोर लाइन्स टू द पोएम, यू मे ऑल्सो मेक अप मोर लाइन ऑन योर ओन। तो यहाँ पर जो है ऐसे करके हमें ऐड करते जाना है ये इसमें, है ना बच्चों।